गुड मॉर्निंग गाइस, ट्रक आ गया हमारा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आ रहा है। उसका फ़ोन आया था एंटर करने के लिए, और काफ़ी अच्छा बड़ा सा ट्रक है। वो यहीं पे छोड़ कर चला जाएगा। ट्रेलर, जो पूरा ट्रेलर है, हम उसमें लोड करेंगे। लोडिंग के लिए मैंने बंदे बुला रखे हैं, और बंदे आएंगे उसके बाद, और हम सब मिलकर, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली वही दो बंदे आएंगे, वो लोड करना शुरू कर देंगे, और ट्रक ओवरनाइट यहीं रहेगा, और कल उसको मैं पिकअप करने के लिए बोल दूंगा, तो कल ट्रक चला जाएगा। तो यू नो, और ये पूरे स्पेस के हिसाब से अगर हम पूरा ट्रक यूज़ करेंगे तो उतने पैसे, कम यूज़ करेंगे तो कम पैसे। तो इट्स रियली ग्रेट। और 3 दिन का टाइम है हमारे पास लोड करने के लिए वैसे तो, और हम कल ही उठवा लेंगे इसका। ऑलराइट गाइस, दैट्स द ट्रेलर। पूरा का पूरा ट्रक आया है हमारे लिए। थोड़ा सा बस एडजस्टमेंट कर लें। ये है इतना बड़ा ट्रेलर, 28 फीट का ट्रेलर है। सारा हमारा है, इसके अंदर लोड करेंगे स्टफ। यहाँ से निकलेगा रैंप, और यहाँ से हम लोड करना शुरू करेंगे। यहाँ से डॉलीज के ऊपर से ऊपर चढ़ा देंगे। गुड, ओके, ओके। ये रहा ट्रक, इसमें बस लोडिंग शुरू करते हैं। 2 घंटे में हमारा लोडिंग वाले बंदे आ रहे हैं। काफ़ी डीप है, मैं अंदर से दिखाता हूँ। रैंप लगवा दिया मैंने ऑलरेडी। 28 फीट का ट्रेलर है, और बहुत ऊंचा है, आई थिंक 9 फीट की हाइट है, तो बहुत अच्छा है, लाइक काफ़ी बड़ा है। लुक एट दिस। आई डोंट थिंक सो कि पूरा ट्रक यूज़ होने वाला है। पूरा ट्रक यूजली 4 बेडरूम्स के करीब करीब वाले घर को लगते हैं, पर हमारे 4 बेडरूम हैं, बस थोड़े खाली रहते हैं, तो आई थिंक आधा या 3/4 यूज़ होगा। और यहाँ पर है ना, ऊपर लिखा हुआ है जैसे 26 फीट, 24 फीट, तो जितना भी यूज़ करोगे उसके हिसाब से पैसे हैं, कम यूज़ करोगे तो कम पैसे होंगे, विच इज़ ग्रेट, राइट। क्या कर ले, मेरी घड़ी खा रहा तू? मेरी घड़ी खा रहा है? बड़ी तो पपी हो गई क्या वापस? बड़ी तो पपी, देखिए तो ना, घड़ी खा रहा मेरी। एक काट, हरकत करा लो इससे। यहाँ पैकिंग चल रही है, घड़ी नहीं मिलेगी, पागल घड़ी कुछ बढ़ो। फाइनल चीज़ें जो रैप कर रहे हैं अब हम, शैम्पू का स्टफ, बड़ी का शैम्पू है, हमने अपना कर दिया है। ये मेरे शैम्पू और ये रैप हो गया है। ये ट्रक में जाएगा सामान, वैसलीन जाएगी, ताकि लीक ना करे। लीक कर गया तो एटलीस्ट रैप करके सही रहेगा। कर दो शिल्पा, बड़ी का ज़्यादा अच्छा कर देता है ना। एक काम करो ना, बड़ी को बोलते हैं बड़ी नहा लेना, बड़ी नहीं कर ले, मैं लेके नहीं जाना पड़ेगा। क्या क्या बोलता बड़ी, नहीं कर दे, चल रहे हैं। कोई नहीं, हमारे लोडिंग हेल्प आ गई है, वो पीछे ट्रक लोड कर रहे हैं वो सामने, और उन्होंने ऑलरेडी हमारा दरवाज़ा निकाल दिया है, क्योंकि इस दरवाजे के थ्रू फ्रिज नहीं आएगा अगर ये लगा होता तो, इसलिए उन्होंने निकाल दिया है। वो फ्रिज लेके जाएंगे बाहर। बाय द वे, वो भी इम्प्रेस हो गए हमसे, इतनी अच्छी पैकिंग करी हमने, कहता ये सारा तुमने किया? हमने कहा यस। ओके, फ्रिज का नंबर आ गया। The wire? Yeah. Turn a little bit. Try to go. Where's the wire at? I know my body kind of locked up. So I'm trying to tell you, like, alright. Stand up. Hold up. I know. Yes, let go right there. Wow. I got some tape. Yeah. Oh yeah. You did it, man. It happens sometimes. It's not an easy profession. I know. That's why I had to get your help. Wow, there's no scratch. No, everything's perfect. I mean. No, hey.
वाओ रियली अमेजिंग, कुछ भी स्क्रैच नहीं आया कहीं पे भी, अमेजिंग। शिल्पा मस्त कर देना, ऐसा हो गया था आई थिंक उसका बैलेंस हो रहा था, कर गया बहुत हैवी है, 400 पाउंड है। चलो इसका ब्लैंकेट करके रैप कर देते हैं, बड़ी की फोटो भी यहाँ पे। वाह वाह वाह, रैप कर दिया हमने पूरा फ्रिज, बढ़िया लग रहा है। शिल्पा उनसे पूछो हमें हायर करेंगे, आई थिंक वो इंटरेस्टेड है, कह रहे बहुत अच्छा रैप करते हो तुम लोग, हायर करने की सोच रहे हैं। शिल्पा कितना जॉब करोगी तुम यार, ये भी काम करना तुम्हें। Okay, अब फ्रीजर जा रहा है गाइस। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, ये जो ट्रक लोड करते हैं ये हैवी आइटम सबसे पहले और जितना ऊंचा हो सकता है उतना ऊंचा लोड किया जाता है। अब ये लोग है ना कुशंस भर रहे हैं अंदर साइडों में दीवार के बीच में, उधर जहाँ भी जगह है आई थिंक वो इजी रहेगा ना, थोड़ा गड्ढे गड्ढे आएंगे अगर सड़क पे तो टच नहीं करेगी दीवार। हमारे पास कम से कम है ना लाइक 10-15 पिलोज हैं, बहुत सारे पिलोज हैं, इतने सारे रखे हुए हमने, तो वो भी मैंने ऑफर कर दिया इनको कि वो भी आप यूज़ कर सकते हो स्टफ़ करने के लिए इधर उधर। बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है, तीन घंटे होने को आ रहे हैं और आई थिंक आधा ट्रक यूज़ हुआ है, आई थिंक अभी 1/4 ट्रक और यूज़ होगा, मैक्सिमम 3/4, और काफ़ी चढ़ा दिया उन्होंने आसमान, थोड़ा सा बच गया। तो मैंने इनसे पूछा कि यू नो कैन वी एक्सटेंड द टाइम, तो उन्होंने बोला हाँ, तो लेट्स सी एक घंटा और बढ़ा देंगे, आई थिंक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्विक स्टेटस अपडेट, बहुत अच्छा लोड किया हुआ है, ऊपर भी जगह है तो अभी बॉक्सेस ला रहे हैं ये लोग और लोड करेंगे। वी कैन सी 14 फीट तक हो गया अभी और 12 फीट और बचे हैं हमारे पास। ओके 4.5 घंटे हो गए और आई थिंक 3/4 ट्रक यूज़ हो चुका है, अभी थोड़ा सा सामान और है तो okay, ट्रेडमिल आई थॉट कि बहुत हैवी है और मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क था, और ये लोग कितना ईजिली मैनेज कर रहे हैं इसको। Okay, this was heavy. और गाइज 3 घंटे तो हमने बुक करे थे प्लस 3 घंटे और देने पड़े, 6 घंटे लग गए लोड करने में, पर फाइनली ट्रेलर हमारा लॉक हो गया है, बंद कर दिया है, चाबी ताला लगा दिया मैंने, चाबी मेरे पास है, अब ये ट्रेलर ओवरनाइट यहीं रहेगा और कल जहाँ से पिकअप होगा। बॉडी ने भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रिएक्ट किया बॉडी तुमने। चलो चलो बड़ी, हमारा सामान कहाँ गया, सामान कहाँ गया हमारा बताओ, अब तो आवाज़ भी गूंज रही है। शिल्पा गाइस आपको कमरा दिखाता हूँ, खाली हो गया सारा, अब कैसे आवाज़ गूंज रही है ना शिल्पा, खाली हो गया घर, देखो गाइस पहले दिन मूव होता है, गाइस किचन का काम ने थोड़ा मूव नहीं किया है अभी, है ना कार में जाएगा थोड़ा थोड़ा सामान। और गाइज वीडियो बंद करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अब कल है हमारा मूविंग डे, बस ऐसे कार में कार लोड करेंगे सामान से और मूव करेंगे सीधा टेक्सास, और बहुत टायर्ड हो चुके हैं अभी तो, बड़ी बड़ा हो रहा है एक्साइटेड, क्योंकि बेचारा बंद था ना सुबह से, इसका क्रेट भी चला गया बाद में, कुछ भी नहीं कर रहा, सब जा चुका, नो फ्रिज नो माइक्रोवेव, खाना पीने का हम लोग है ना थोड़ा देख रहे हैं, शिल्पा की मम्मी भेज रही है थोड़ा बहुत हम बाहर खाएंगे, हो जाएगा मैनेज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।